नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज पुलिस ने थाना क्षेत्र के माली मैनहा व आसानपुर गांव के सिवान में मिले गौवंश अवशेष मामले का खुलासा किया। डुमरियागंज सीओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जो गौवंश के अवशेष मिले थे, जिसमें 5 आरोपी पकड़े गए हैं, 1 आरोपी फरार है, जिसके पास से गौवध के उपकरण, एक मोटरसाइकिल व एक गाय को बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इन लोगों ने यहां के अलावा इटवा थाना के मिश्रौलिया गाँव के बाहर हुए गौवध की घटना को भी अंजाम दिया था। आरोपी डुमरियागंज भवानीगंज थाना क्षेत्र के निवासी है। सनसनी खेत घटना गोवंशी का दिनांक 15/16 को औसानपुर में हुआ था। औसानपुर में कुआं में एक गाय का अवशेष मिला था। वो गाय जो है भोला सोनी नाम के व्यक्ति का गाय था, जिसे गोवंशी करने वाले अपराधी चुरा लिए थे और उस गाय को काट करके उसका परिवहन किए। इसके बाद उसके जो अवशेष बचे थे उसे कुआं में डाल दिए थे। सूचना मिली कि ये अपराधी जो है आज जो है 18 तारीख को भोर में ये निकले हैं। ये सूचना पर अभियुक्तगढ़ को नहर हल्लौ नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। ये कुल 5 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें इटवा का भी मामला था। इटवा में 14/15 की रात में जो गोवंशी हुआ था मिश्रौलिया क्षेत्र में, उसने भी बताया है कि हम ही लोग गाय को जो है काट करके उसका परिवहन किए और उसको जो है हम लोग परिवहन करके जो भी पैसा मिलता है उसको आपस में बांट लेते हैं। इस तरह कुल जो है 5 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक नौशाद है, जुबेर है, सलीम है, रफीउल्लाह है, हैदर अली है। इनके पास से उपकरण मिले हैं, जिसमें चाकू है, बोगदा है, लकड़ी का ठेहा है और तराजू है, और इनके पास से एक मोटरसाइकिल मिली है। 2 मुलजिम और हैं जो फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह जो है घटना का खुलासा हुआ है। इससे क्षेत्र में गोवंशी जो हो रहा था उस पर अंकुश लगेगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।